हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नया राज आपके लिए लेकर आई हूँ चावल को जज करने के तरीके। जी हाँ, आजकल मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि ओरिजिनल जैसे दिखते हैं लेकिन ओरिजिनल होते नहीं हैं। फिर चाहे वो आर्टिफिशियल सब्जियां हो या फिर आर्टिफिशियल दाल, मार्केट में ऐसी कई चीज़ें उपलब्ध हैं जिनके अंदर हम अंतर करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपको बताऊंगी कि कैसे घर बैठे ही आप जान सकते हैं कि जिस चावल का सेवन आप कर रहे हैं वो असली में चावल है या फिर प्लास्टिक के चावल हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खे। ये जानने से पहले कि हम कैसे जांच कर सकते हैं असली और प्लास्टिक के चावलों के अंदर, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक के चावल आखिर बनते कैसे हैं। प्लास्टिक के चावल को बनाने के लिए आलू, शकरकंद और प्लास्टिक प्रयोग में लाई जाती है, जिसकी वजह से वो असली चावल जैसे दिखाई देने लगता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस अंतर को पहचान सकें ताकि आपकी सेहत पे कोई भी नुकसान ना पहुँचे। टिप नंबर वन, चावल को जज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी प्रकृति को पहचानना। अगर आपने कभी असली चावल पकाए होंगे तो आपको याद होगा कि जब भी आप चावल को पकाते हैं तो पकने के बाद चावल बहुत सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक के चावल की प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। आप जब भी उन्हें पकाते हैं तो पकने के बाद भी वो थोड़े कच्चे से रहते हैं। अगर आप उन्हें जज करना चाहें तो चावल को आप जला कर देख सकते हैं। प्लास्टिक के चावल प्लास्टिक की भांति ही जलते हैं। टिप नंबर टू, चावल नहीं वो एक पॉली बैग की तरह काम करता है। अगर आप 3 कटोरी प्लास्टिक के चावल का सेवन कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपने एक बड़ा प्लास्टिक का पॉली बैग खाया है, जिसका सेवन करने के बाद ना ही तो वो आपके पेट के अंदर पचेगा और ना ही सड़ेगा। टिप नंबर थ्री, प्लास्टिक के चावल का सेवन बिना जांच किए हुए करने से ये आपको मुफ्त का कैंसर भी दे सकता है। पहले तो ये आपके पेट के अंदर बीमारियों को पैदा करेगा जो कि छोटी छोटी होंगी, जैसे कि एसिडिटी, कब्ज, और देखते ही देखते ये बीमारियां बड़ी हो जाएंगी, जैसे कि कैंसर। अगर आपको अपने आप को कैंसर से बचाना है तो ये जांचना बहुत जरूरी है कि आप किस चावल का प्रयोग कर रहे हैं। टिप नंबर फोर, प्लास्टिक राइस की पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है, जब भी आप चावल खरीदने जाएं तो आपने देखा होगा कि साधारण चावल जो कि असली चावल होता है वो टूटा फूटा होता है, उसकी शेप सही नहीं होती है। हाँ, बासमती चावल की बात कुछ और होती है क्योंकि वो लंबे लंबे होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्लास्टिक के चावल की तो वो एकदम सुंदर आकार के होते हैं, उनमें हद से ज्यादा चमक होती है। वो पकने में भी ज्यादा टाइम लेते हैं, इसीलिए आप उनकी चमक और आकार देख के पता लगा सकते हैं कि वो असली चावल है या फिर प्लास्टिक के चावल है। टिप नंबर फाइव, प्लास्टिक के चावल को जांचने के लिए एक तरीका यह भी है कि आप उन्हें पानी के अंदर भिगोकर देख सकते हैं। प्लास्टिक के चावल पानी के अंदर कभी नहीं तैरते क्योंकि वो प्योर प्लास्टिक के नहीं बने होते, उसके अंदर आलू और शकरकंद भी मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम प्लास्टिक के चावल को भिगोते हैं तो वो पूरी तरीके से पानी के अंदर बैठ जाते हैं। और आपने ये देखा होगा कि जो चावल तैरते रहते हैं वो कुछ दाने असली चावल के होते हैं, इसीलिए आप ये टेस्ट घर बैठे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पानी के अंदर चावल को भिगोकर उनकी प्रकृति जांच सकते हैं कि वो असली है या नहीं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने आसान टिप्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हैं कि आप जिस चावल का सेवन कर रहे हैं वो असली हैं या फिर प्लास्टिक के हैं। अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।